Hey guys, welcome back to my new video. तो आज हम आपको अपना घर दिखाने वाले हैं। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, कभी कभी सामने मिलते हैं तो वो लोग बोल देते हैं कि ये किसका घर था, ये किसका घर था। तो एक्चुअली हम मुजफ्फरपुर में जहाँ रहते हैं वो आपको शो करते हैं पूरा। ये है अपना घर, देखिए ये 10x12 का अपना रूम, और ये इधर हो गया अपना, ये है पूजा वाला रूम, और सामने गोदरेज, और दूसरा रूम भी है, दो रूम है लॉज। तो ये हो गया हम लोग का मोहल्ला। सो ये रहा दूसरा रूम, जो देखिए ये सरकारी क्वार्टर है, तो पूरा ये बालू वगैरह जो है वो दीवार का चिपक चिपका नहीं है, पूरा निकल रहा ही है अपना किचन छोटा सा। सो इस दीवार का पूरा प्लास्टर उखड़ रहा है, तो यहाँ पर रिपेयरिंग वगैरह का काम वगैरह होता नहीं है, तो जो करना होता है खुद से करना होता है। तो दो तीन बार तो करवाया गया है, लेकिन अब फिर से अब बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, पैसा भी अपने पास है नहीं, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और चलते हैं अपना छत भी दिखाते हैं, जहाँ से हम लोग पूरा घूमा करते हैं शाम को। यह आम का पेड़। सो हम लोग छत पे आ गए हैं, ये रहा अपना छत। सभी अपने अपने कुछ कुछ कपड़ा वगैरह सुखाते हैं ऊपर में, और सामने है ये गर्ल्स हॉस्टल, जो GNM का गर्ल्स हॉस्टल है। बरामदा है, और पीछे ये हम लोग का रोड आने जाने वाला, ये रहा, ये है अपना हम लोग का कैंपस में रोड आने जाने के लिए। बहुत लोग को कंफ्यूजन था, और वो सामने चार सामने है वो कॉमन बाथरूम है। तो हम लोग सभी यहाँ पे जो है मोहल्ला में लगभग 8 या 9 फैमिली है जो सभी रहते हैं। हम लोग बहुत ही छोटा थे, 3 से या 4 साल के थे, तब से हम यहाँ पे हैं मुजफ्फरपुर में। तो चकिया में मेरा घर है, लेकिन जो जो घर देखते हैं वो सब घर मेरा नहीं है भाई। हम लोग बहुत सिंपल है, बहुत ही ये बोले तो ज़्यादा पैसे वाले नहीं हैं, छोटा बहुत है, छोटा बहुत घर है, पैसा वाला घर नहीं है अपने पास। सो ये रहा हम लोग का मोहल्ला, और ये आम का पेड़, ये जो आम का पेड़ है बहुत ही ज़्यादा आम फरता है, इस पर बहुत ही ज़्यादा फलता है। और सामने हम लोग के नीचे वो रहा मेरा बाइक। सो शाम को निकलते हैं, तबीयत ख़राब होने के कारण थोड़ा सा अच्छा पेट में फील नहीं हो रहा है, पेट में प्रॉब्लम होने के कारण हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन चलेंगे आज बाहर में घूमने के लिए। कल ब्लॉग भी नहीं कर पाया इसी चक्कर में।